अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद जुल्कनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ फाइनल एनालिसिस की जो सीरीज है ये आखिरी एपिसोड है हमारी केपीके के हद तक। केपीके हमारा आज ही हम इस विलाग के अंदर मैं अपने इसको हम मुकम्मल करते हैं, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद और देन हम पंजाब के जो है पंजाब को हम डिवीजन वाइज करेंगे, हर डिवीजन के हवाले से देखेंगे कि किस डिवीजन के अंदर क्या क्या किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है और हर हर एमएनए के हल्के का हम इंशाल्लाह तज़किरा करेंगे। तो इस विलाग के अंदर हम स्टार्ट करते हैं NA 30 से। पिछली दफा हमने NA 29 तक ये किया था तो अब NA 30 से स्टार्ट करते हैं। ये पिशावर का हलका है, यहाँ पर नासिर खां मूसा खेल जो है पिछली दफा जहाँ पर MNA मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, लेकिन इस दफा नासिर खां मूसा दई जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के अंदर चले गए। तो इस दफा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी साबका MNA जो मखसूस नशस्त के ऊपर बनी थी मुतरमा जनाब शानदाना गुलजार साहिबा, वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं। यहाँ पर मिसबाहुद्दीन जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर रईस खान को यहाँ पर मैदान में उतारा है। पेशावर शहर के जितने भी हल्के हैं वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों के दरमियान ही मुकाबला है। नासिर खां मूसा दई क्योंकि पिछली दफा भी MNA बने थे लेकिन वो सारा सर जो टोटल वोट बैंक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की वजह से बने थे, तो अब वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के पास चले गए, उस ग्रुप के अंदर चले गए, उनकी पार्टी के ऊपर ये अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सीट के ऊपर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि शानदाना गुलजार साहिबा जो है अब भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट के ऊपर है वो ज्यादा अच्छी और बेहतर पोजिशन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे पहले फेज के अंदर हमने देखा था जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन जो वो थे मसाइल थे वो उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी कुछ सीटें, लेकिन फिर जब सेकंड फेज हुआ तो उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया था। तो इससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो मौजूद है, लेकिन उसको पिछली दफा जरा किसी और अंदाज से वो तकसीम हो गया था। अब यहाँ पर शानदाना गुलजार साहबा बड़ी अहम रहनुमा है, वो वहां पर कंपेन पहले उनको इजाजत नहीं थी, वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक थी, अब उनको हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी थी। पिछले 10 दिन से वो वहां पर मौजूद है, बहुत सारी कॉर्नर मीटिंग कर रही है, वो कंपेन अच्छी कर रही है। तो यहाँ पर जो है मेरा अपना ये ख्याल है शानदाना गुलजार साहब एक बेहतर पोजिशन में है। उसके बाद हमारा अगला हल्का है ये भी पिशावर का हल्का NA 31। यहाँ शेर अली अरबाब जो है पिछली दफा MNA मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, इस दफा भी शेर अली अरबाब ही यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सईद जान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के साथ है। यहाँ पर अरबाब आलमगीर साहब ये सबका यहाँ से MNA भी रह चुके हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, अरबाब आलमगीर बड़े मशहूर बंदे हैं पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, वो इस दफा यहाँ पर इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर ANP की बात करें तो सैयद हारून शाह जो है वो ANP के हैं और PMLN ने यहाँ पर सोबिया खान को टिकट दिया। सोबिया खान ने पिछली दफा भी पिशावर के अंदर इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा था, तो इस दफा दोबारा से सोबिया खान को ही यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। यहाँ पर शेर अली अरबाब जो है वो अच्छी पोजीशन के अंदर है, बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि दोबारा से वही कैंडिडेट है। मुकाबला ज्यादातर इनका वही सईद जान के साथ है जो F से, पिछली दफा इनके साथ क्योंकि जमात इस्लामी भी मौजूद थी और भी मजहबी जमातें सारी थी, MMA के टिकट के ऊपर इन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन अब वो इतिहाद टूट चुका है, इस वजह से यहाँ पर जमीयत उलमा फजलुर रहमान को इस सीट के ऊपर कोई ज्यादा मुझे चांस दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा अगला जो हमारा आखिरी हल्का है आज पिशावर का जो हमारा आखिरी हल्का है ये NA 32 है। यहाँ पर जनाब गुलाम अहमद बिलोर साहब पाकिस्तान ये जो ANP है अवामी नेशनल पार्टी उनके बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब चेयरपर्सन हुआ करती थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनको एक दफा शिकस्त दे चुके हैं। ये हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ मुकाबला करते रहे लेकिन पिछले 3 इलेक्शन के अंदर वो मुसलसल हार की तरफ गए हैं। 2 इलेक्शन के अंदर 13 में भी वो हार गए थे, 18 में भी वो हार गए थे। इस दफा वहां पर उनके जो उनका मुकाबला है वो आसिफ खान के साथ है। आसिफ खान पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है। JUIF की तरफ से जनाब हुसैन अहमद मदनी जो है वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद है जी शबीर रहमान जो है PMLN के हैं। जमात इस्लामी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट दिया है और उनका नाम जब तारिक मतीन साहब है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आबिद अनवर खान जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर गुलाम अहमद बलोर का एक अच्छा उनकी पोजीशन है। आबिद खान जो आसिफ खान है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा मुकाबला है, जहाँ पर गुलाम अहमद बलोर की जो सियासी पर्सनैलिटी है वो ज्यादा आसिफ खान से बहुत बड़ी है। इस हवाले से लोग उनको अब मेरे ख्याल में शायद उनका ये आखिरी इलेक्शन है, वो इस दफा भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको मजबूर किया है कि आप ये इलेक्शन दोबारा से लड़े, क्योंकि इस सीट के ऊपर पर्सनैलिटी की वजह से अगर वो जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। मतलब एएनपी का ज्यादा यहाँ पर वोट बैंक नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। पहले भी वो यहाँ पर जीतते रहे, इमरान खान साहब यहाँ पर जीत चुके हैं, तो अब यहाँ पर इस दफा बहरहाल अच्छा एक मुकाबला है, जहाँ पर किसी की भी पोजीशन जो है अभी बताना जरा मुश्किल है, लेकिन इस सीट के ऊपर बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा। इसके बाद हम चलते हैं जी नौशेरा। नौशेरा जो है वो मशहूर है जनाब परवेज खटक साहब की वजह से। परवेज खटक साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक पार्टी रजिस्टर करा चुके हैं, वो इमरान खान साहब के वो सियासी तौर के ऊपर बगावत कर चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में मिलाया है। तो नौशेरा के दोनों जो MNA थे, परवेज खटक साहब खुद थे फिर इमरान खटक थे, इन दोनों ने अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर अपने नए उम्मीदवार यहाँ पर लॉन्च किए हैं। नौशेरा का ये जो NA 33 है, यहाँ पर परवेज खटक साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की तरफ से उम्मीदवार है। सैयद शाह अहद अली शाह जो है ये इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खान परवेज ANP की तरफ से है। इख्तियार वली बड़ी अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो पिछली दफा MPA रहे हैं और बड़ा बड़ी जिसको कहते हैं एक्टिव रोल उन्होंने अदा किया है पिछली दफा KP के असम्बली के अंदर, वो महंगाई की वजह से, वो गवर्नेंस की वजह से बहुत सारे एहतजाज के अंदर वो मेन रहे हैं। इख्तियार वली जो है वो बहुत बड़ा नाम है, वो भी इस सीट के ऊपर PMLN की तरफ से उम्मीदवार है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो है परवेज खटक का हाथ जो है वो तगड़ा है। वो दो दफा, एक दफा CM रहे हैं, वहां पर उन्होंने बड़े काम शाम कराए हैं। सैयद आहद शाह जो है वे नए हैं, ये पहली दफा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं MNA का। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है, एनालिसिस ये है कि यहाँ पर परवेज खटक साहब जो है वो बेहतर है, लेकिन ऐसे बेहतर नहीं है कि आप उसको कहें कि वो 30-40-50 हजार की लीड से जीत जाएंगे। लेकिन जहां पर क्योंकि PTI का भी एक वोट बैंक मौजूद है, PTI की एक हवा चल रही है इस सीट के अंदर भी, हमने देखा है कि जिस तरह के उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की है नौशेरा के अंदर, जिस तरह के यहाँ पर जलसे हुए हैं, जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने यहाँ पर एक जलसा किया है, यहाँ पर एक माहौल उन्होंने बनाया है परवेज खटक के खिलाफ। तो उसको देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। अभी तक के मुताबिक यहाँ पर परवेज खटक साहब की पोजिशन कुछ बेहतर मुझे लग रही है। दूसरा जो हल्का है NA 34, ये यहाँ पर पिछली दफा इमरान खटक जो है वो PTI के टिकट के ऊपर थे, ये अब के बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है परवेज खटक उसके उसकी तरफ से है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुल्फकार अली को इस दफा टिकट दिया है। जुल्फकार अली यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इदरीस खटक भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर सबका सफीर जो है श्रीलंका के अंदर सफीर रहे हैं, सबक फौजी है, रहनुमा है साथ खटक साहब, वो भी इस दफा इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी है तो उस हवाले से वो उस पार्टी के थ्रू अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस सीट के ऊपर जो है इमरान खटक साहब की पोजीशन कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि खटक फैमिली जो खटक बिरादरी है उसका वो ज्यादातर जो इतिहाद है खटक बिरादरी का वो सादुल्ला खटक के साथ है, वो जो सफीर साहब है साहब का वो उनके साथ ज्यादा है। यहाँ पर जुल्फकार अली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी पोजीशन इस सीट के ऊपर एक बेहतर पोजीशन में है वो। इसके बाद हम चलते हैं जी, उसके बाद NA 35 है, ये कोहाट का है, डिस्ट्रिक्ट कोहाट की सिर्फ एक ही सीट है। तो वहां से पिछली दफा शहरियार खान अफरीदी बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे मसायल हैं कोहाट के अंदर, बहुत सारे लोगों ने उनके हवाले से बड़ी शिकायतें की हैं। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं, तो उसके बाद पॉलिटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रल सिचुएशन अगर देखी जाए तो उनको वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर मिली है। वो पहले जेल में रहे बहुत अरसा, वो जब बाहर आए तो वो इस्लामाबाद से बाहर उनको नहीं जाने दिया। उनके दो भाई जो है, एक सिस्टर जो है, वो इसी दौरान उनकी डेथ हुई है, उनको जनाजे तक नहीं जाने दिया। तो इस तरह से वो सिंपथी वोट और जो सियासी वफादारी वाला जो अंसर है वो यहाँ पर ज्यादा अहम है। उनका मुकाबला यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो है वो PMLN मुस्लिम नून के जो रहनुमा अब्बास अफरीदी, बड़े अहम रहनुमा अब्बास अफरीदी, बड़े तगड़े बिजनेसमैन भी है, वो यहाँ पर बहुत अरसे से सियासत कर रहे हैं। लेकिन उनको वो यहाँ पर शहरियार अफरीदी से दूसरी दफा मुसलसल शिकस्त हो रही है।
अब के बार भी मेरा अपना ये ख्याल है कि वो इस सीट को फिर से नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर जो एमपीए थे बंगई साहब, वो यहाँ पर पहले तरीके इंसाफ के साथ थे, अब वो इलाहा कर चुके हैं उनके साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन प्रवीण खट्टक के साथ, तो वो थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन उनकी अपनी यहाँ पर एमपीए के ऊपर भी पोजीशन अपनी काफी लो हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर गौहर खान साहब भी मौजूद हैं। गौहर खान बंगई साहब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन शहरयार अफरीदी जो है यहाँ पर एक कम्फर्टेबल पोजिशन में है। उसके बाद है NA36, ये हंगू और औरंगजेई का एक ही सीट है। पहले हंगू का अलग एक सीट थी हंगू की, फिर उसके बाद औरंगजेई की एक अलग सी सीट थी। इस सीट के ऊपर जो है वो हंगू से ख्याल जमान जो है वो पिछली दफा MLA मुंतखब हुए थे, उनकी डेथ के बाद 2022 के अंदर जिमनी इलेक्शन हुआ। यहाँ पर उनके बेटे डॉक्टर ख्याल जो डॉक्टर नदीम ख्याल जमान है वो यहाँ पर मुंतखब हुए थे, बहुत सारी हार्डशिप्स के बावजूद वो यहाँ पर कामयाब हो गए थे। इस सीट के ऊपर JJY की एफ की तरफ से अब के बाद उबैदुल्ला साहब है जो ये एफ के है। यूसुफ खान जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने नए उम्मीदवार को यहाँ पर इलेक्शन के लिए उतारा है। फिर यहाँ पर गाजी गुलाब जमाल वो यहाँ पर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मलिक सैयद नूर जो है वो पाकिस्तान पे पार्टी की तरफ से इस सीट के ऊपर मुकाबला कर रहे हैं। ये पहले क्योंकि दो सीटें होती थी, अब इनको यकजा कर दिया गया है, तो इस सीट के ऊपर दोनों सीटें जो है पिछली दफा हंगू भी औरंगजेई वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोनों सीटें जीत गई थी, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ज्यादा है बाकी पार्टीज की निस्बत। यहाँ पर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पोजिशन अच्छी है और वो बेहतर पोजिशन में। इसके बाद अगला है ये हमारा NA37, ये हल्का है कुरुम का। कुरुम के अंदर ज्यादातर वोट जो है वो एलतशी बिरादरी का है। पिछली दफा हमने देखा है यहाँ पर जो साजिद खान तूरी है पाकिस्तान पे पार्टी की तरफ से वो कामयाब हुए थे। साजिद खान तूरी जो है ये पहले भी एक दो दफा बन चुके MLA, वो एलतशी उससे ताल्लुक रखते हैं फिरके से, तो यहाँ पर जो है वो ज्यादातर एलतशी इस हिसाब से वोट दिया जाता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने यहाँ पर एक नई पॉलिटिकल गेम की है, ये वैध वो हल्का है जहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है उनके जो कैंडिडेट है जनाब हामिद हुसैन साहब, उनको यहाँ पर उन्होंने टिकट जारी किया है। अब टिकट क्या जारी किया है, उन्होंने उनकी हिमायत किया जा रहा है, वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सीट मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के लिए बहुत जरूरी है और खुद PTI के लिए भी, क्योंकि ये एक ख्याल किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहीं पर भी डगमगाती है उनके कैंडिडेट, वो यहाँ पर मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अंदर शामिल हो सकते हैं, और यहाँ पर वो फिर जो है मुख्तलिफ जो आजाद हैसियत में लोग हैं वो इस पार्टी में शामिल होने के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी ले सकते हैं। ये एक प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद है, इसलिए इस सीट के ऊपर जो है मजलिस वादतुल मुस्लिमीन को एक अलहदा से उन्होंने खुद कहा है कि वो पार्टी जो है वो एज अ पार्टी पार्लियामेंट में पहुंचे। तो इस सीट के ऊपर बड़ा अच्छा मुकाबला है साजिद खान तूरी, क्योंकि जो तूरी फैमिली है वहां पर दो और जो उम्मीदवार है मीर अफजल खान तूरी या इनायतुल्ला खान तूरी, ये भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो एलतशी जो वोट है वो अब मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के पास चलाया जाएगा। जो तूरी बिरादरी है जो कबीला है उसका वोट पहले भी तकसीम हो चुका है दो कैंडिडेट की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ इलाक किया है। इस सीट के ऊपर अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा। साजिद खान तूरी बेहतर है क्योंकि वो दो दफा बन चुके हैं, लोग उनके साथ ज्यादा मतलब ये है कि उनके ताल्लुकात ज्यादा है दो दफा MLA रहने के बाद, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला होगा। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या पार्टी का वोट बैंक है, साजिद खान तूरी जो पार्टी के है उनका वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, या वो या ज्यादातर जो ख्याल किया जाता है कि वो एलतशी वोट को ज्यादा अपील करते हैं, क्या उस तरह से गेम तब्दील हो सकती है। इसके बाद जी NA38, ये साउथ के एरिया के हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शहद खान खट्टक जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नौजवान पिछली दफा MLA यहाँ पर मुंतखब हुए थे। कल ही यहाँ पर इस क्रग के अंदर जो है ये बड़ा तनाजा हुआ, इनको जलसा नहीं करने दिया जा रहा पाकिस्तान, ये जो पंजाब ये जो KPK पुलिस है सॉरी वहां पर उन्होंने उसको रोकने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वहां पर हमने देखा आंसू गैस भी चले, हवाई फायरिंग भी हुई, बड़ी यहाँ पर डंडे भी चले, लेकिन उसके बावजूद शहद खट्टक ने वहां पर एक बहुत बड़ा तगड़ा जलसा किया है। तो यहाँ पर इस सीट के ऊपर शहद खट्टक का जो मुकाबला है वो नवाबजादा मोहसिन अली खान के साथ भी है, हमीद खान तूफान है वो ANP के बड़े एमरन उनके साथ भी है यहाँ पर, और शहद अजीज जो है शाह अब्दुल अजीज
JUF के उनके साथ यहाँ पर मुकाबला है। असल इनका मुकाबला शाह अब्दुल अजीज के साथ है, लेकिन शहद खट्टक जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के KPK के अंदर उनको बड़ा रिगार्ड किया जाता है। यंग बंदे हैं, पिछली दफा भी MNA मुंतखब हुए, बड़े एक्टिव रोल अदा करते रहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पार्लिमानी सियासत के अंदर। इस दफा भी उनकी यहाँ पर पोजिशन बेहतर है। उसके बाद आते हैं जी हम बन्नू में। ये बन्नू का हल्का है NA 39। जहद इकबाल दुरानी पिछली दफा जो डेप्टी स्पीकर, अभी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, PDM की जब गवर्नमेंट बनी थी तो वो डेप्टी स्पीकर बने थे। JUF के अकरम खान दुरानी के ये बेटे हैं, जैद अकरम दुरानी। उनका यहाँ पर मुकाबला मौलाना नसीम अली शाह से है। मौलाना नसीम अली शाह पिछली अच्छा यहाँ पर एक दफा पिछले इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब जीत चुके थे तो जिमनी इलेक्शन के अंदर नसीम अली शाह हार गए थे जैद अकरम दुरानी से। तो अब यहाँ पर नसीम अली शाह ने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस सीट के ऊपर बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब जैद अकरम दुरानी साहब गवर्नमेंट में आए तो बेतहाशा यहाँ पर पैसा लगा है। बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए हैं, बहुत सारे रोड बनाए हैं, गलियां बनाई हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर उनकी पोजीशन फिर दोबारा से एक अच्छी पोजीशन में वो चले गए हैं। इस सीट के ऊपर नसीम अली शाह दूसरे नंबर पर है अभी तक के मुताबिक। पहले नंबर के ऊपर जो है JUF के जैद अकरम दुरानी की पोजीशन इस सीट के ऊपर ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इस सीट के ऊपर ना बड़े इंटरेस्टिंग और भी लोग हैं। प्रोफेसर इब्राहिम साहब बड़े मशहूर बंदे हैं जमात इस्लामी के, वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो प्रवेश खटक ग्रुप है उनके उनकी तरफ से सबका MNA जनाब सैयद कैसर आबाद शाह, ये बड़े अहम रहनुमा है यहाँ बन्नू के, वो भी इस दफा इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वोट जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एंटी जो वोट है वो बहुत ज्यादा है। देखते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल बनती है। चलते हैं जी NA 40 है, ये नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया है। पिछली दफा यहाँ पर जनाब मोहसिन दावर साहब आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, अब वो अपनी पार्टी बना चुके हैं। तो मोहसिन दावर साहब का मुकाबला यहाँ पर औरंगजेब खान से है। पिछली दफा इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, तो मोहसिन दावर को यहाँ पर जिसको कहा था हिमायत का ऐलान किया था, हिमायत की थी यहाँ पर। उस वक्त नहीं बता के था कि मोहसिन दावर जो है वो इतनी बड़ी वो पॉलिटिकली अपनी एक स्ट्रेंथ बना लेंगे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी बना चुके हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला औरंगजेब खान से है। फिर यहाँ पर मिसबाउद्दीन JUF के हैं, मोहम्मद नजीर खान PMLN के हैं और ANP की तरफ से अशरफुल्ला इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहसिन दावर जो है वो पश्तून मूवमेंट के अहम रहनुमा रहे हैं, तो वो पश्तून जो कौम है उसके वोट के ऊपर उनकी आंख है, नजर है। औरंगजेब खान जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से है। अब यहाँ पर ऐसा मुकाबला सही पता चलेगा कि लोग जो है वो, क्योंकि इन दोनों का जो स्टांस है वो एक ही तरह का लग रहा है, वो भी अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहती है, वो भी वहां पर पश्तून के हक की बात करते हैं। यहाँ पर KPK के अंदर हमने देखा है PTA की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत है, तो इस सीट के ऊपर एक अच्छा मुकाबला होगा मोहसिन दावर के साथ। उसके बाद लकी मरवत का सबसे अहम हल्का, यहाँ पर शेर अफजल मरवत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली दफा वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई भी इलेक्शन वो पहली दफा लड़ रहे हैं। वो ज्यादातर 18 से 20 साल तक वो जुडिशरी के अंदर रहे हैं, जॉब करते रहे, फिर उसके बाद वो बैर रहे हैं, पढ़ते रहे, अब वो वकालत के अंदर मसरूफ है। लेकिन पिछले 6-8 माह में उन्होंने पार्टी के अंदर बड़ी अहम पोस्ट भी ले ली है जो नैब सदारत की है, अब वो यहाँ पर लकी मरवत के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला यहाँ पर सलीम सैफुल्ला ग्रुप जो है यहाँ पर बड़ा मशहूर और बहुत ही 90s से 80s से यहाँ पर सियासत करते आ रहे हैं, सलीम सैफुल्ला के साथ उनका मुकाबला है, आजाद हैसियत में है वो। लेकिन असल मुकाबला यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब के एक और बेटे जनाब असजद महमूद के दरमियान होगा, क्योंकि ये लकी मरवत की जो सीट है ये मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि ये उनकी अपनी सीट है, ये वहां से भी मौलाना फजल रहमान बहुत दफा जीत चुके हैं, लेकिन इस दफा उनका मुकाबला शेर अफजल से है। शेर अफजल मरवत ने जिस तरह से पॉलिटिकली गेन किया है इस सीट के ऊपर जो है मौलाना असजद के साथ बड़ा अच्छा तगड़ा और टाकरे का मुकाबला होगा। इस सीट के ऊपर भी अभी जो फाइनल एनालिसिस है वो रिजर्व रखते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ नहीं पता। जो शेर अफजल मरवत है उनको नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो बड़ी अहमियत भी मिल रही है, वो जहाँ जाते हैं लोग भी उनके बड़े साथ हैं, क्या वो आम जो लोग हैं वहां पर जो गली मोहल्ले वाले लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान से हट के शेर अफजल मरवत को वोट देंगे, तो ये बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। ये इस दफा पता चलेगा कि शेर अफजल मरवत क्या वो इस तरह की सियासत कर सकते हैं या सिर्फ वो जलसे जलूस के ही एक लीडर है। इसके बाद चलते हैं जी साउथ वजीरिस्तान का हल्का है NA 42।
अली वजीर पिछली दफा यहाँ पर आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, इस दफा भी वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन JUF के हैं। जुबैर खान वजीर जो है वजीर ही कबीले के, अली वजीर के मुखालिफ, इन्होंने जुबैर खान वजीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिमायत दी है। तो इस सीट के ऊपर जो है मेरा अपना ये ख्याल है कि जुबैर खान वजीर और यहाँ पर अली वजीर के दरमियान भी एक अच्छा मुकाबला है, क्योंकि अली वजीर जो है वो काफी टाइम बेचारे वो जेल में रहे हैं, इमरान खान साहब के दौर में भी रहे हैं, उसके बाद PDM के दौर में भी रहे हैं। वो उन्होंने पिछले 5 साल वो चीधा चीधा सिर्फ वो कुछ दिन ही है जब गिन गिना के 8-10 दिन बनते हैं जब वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे, बाकी वो उन्होंने जेल के अंदर गुजारे हैं। उनकी वहां पर वजीर कबीले के अंदर बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, वो उनको पिछले दफा भी उन्होंने जिताया था, इस दफा बहरहाल जहां पर एक अच्छा मुकाबला है अली वजीर के दरमियान। इसके बाद जो आखिरी दो सीटें हैं डेस्मेल खान की, 3 सीटें हैं। पहली है जी टांग और डेस्मेल खान कम, ये एक ही सीट है NF 43। यहाँ पर मौलाना असद महमूद जो है सबका वफाकी वजीर, मौलाना फजल रहमान साहब के जो बड़े बेटे हैं, बड़े अहम रहनुमा है, अब वो उनका मुकाबला यहाँ पर अनवर सैफुल्ला, पाकिस्तान में पार्टी के बड़े अहम रहनुमा अनवर सैफुल्ला भी बड़े अरसे थे सियासत करते हैं, ये भी सैफुल्ला बिरादरान में से है, उनका मुकाबला जो है दावर कुंडी के साथ है। देखिये दावर कुंडी जो है 2013 के अंदर उन्होंने यहाँ पर MNA वो बने थे, उनके फिर जो किसी लोकल सियासत के ऊपर इख्तलाफ हो गए थे अरियमीन गंडापुर के साथ, फिर वो यहाँ पर PTA को छोड़कर नून लीग में चले गए थे। पिछली दफा उन्होंने नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, 18 से 20 हजार वोट लिए, वो फिर भी हार गए थे यहाँ पर। अब के बाद वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आए हैं, तो इस सीट के ऊपर अब उनकी सुलह भी हो चुकी है, वो शेर अहमद मरवत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस सीट के ऊपर उनको दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। दावर कुंडी जो है यहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार है डेस्मेल खान का, उसके अंदर कुछ एरिया 20 से 25% जो है वो डेस्मेल खान का एरिया आता है, बाकी जो एरिया है वो सारा का सारा यहाँ पर टांक आता है, क्योंकि यहाँ पर मौलाना असद महमूद के साथ मुकाबला है। यहाँ पर पिछली दफा जो ANP के जो MPA थे वो हार गए थे, उस्मान बेटेनी साहब, वो भी इस दफा PTI के अंदर शामिल हो चुके हैं, वो उनके उम्मीदवार बन चुके हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अरसे थे यहाँ पर इस सीट के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे, तो अब के बार उन्होंने एक कैंडिडेट भी दोबारा से उनको अच्छा मिला है, तो इस सीट के ऊपर भी मौलाना साहब के बेटे के साथ बड़ा अच्छा मुकाबला है। उसके बाद हम आते हैं जी आखिरी दो हल्के हैं डेस्मेल खान के, NA 44 बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर बड़े तगड़े तगड़े लोड जो है जो 4 है वो यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। वकार अहमद खान सेनेटर है, अच्छा जी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आजाद रहे बहुत अरसा तक, आखिरी इलेक्शन जब स्टार्ट होने लगा तो ये नून लीग में शामिल हो गए, वो अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब इन्होंने कागजात जमा कराए तो इन्होंने नून लीग को कहा कि जी मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो उन्होंने इलाके के अंदर थोड़ा माहौल देख लिया, क्योंकि नून लीग के खिलाफ यहाँ पर एक और तरह की हवा है, तो इसलिए उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इरादा वो किया है, फैसला किया है। उनको ज्यादा यहाँ पर ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है खुद भी। फैसल करीम कुंडी, असल में सबसे अहम इस इलेक्शन के अंदर ये है, फैसल करीम कुंडी ने पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत की है, जब गवर्नमेंट भी आए फिर नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी फैसल करीम कुंडी बड़े पेश रहे, बिलावर साहब के बहुत करीब हो गए अब वो, तो इसलिए यहाँ पर फैसल करीम कुंडी, मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ पर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, यहाँ पर जो है फैसल करीम कुंडी और जो वो है अली अमीन गंडापुर, उनके दरमियान असल मुकाबला है। मौलाना साहब जो है वो यहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत ही कमजोर है, वो खुद उन्होंने इधर पेशीन वाला हल्का भी चुना है, वहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनको खुशहाल खान खट्टा के मुकाबले में बड़ी मुश्किलात का सामना है। वहां पर अपने उन्होंने बड़े पुराने जो दुश्मन है जो महमूद खान अचक जी है उनके साथ उन्होंने वहां पर इलाहा कर लिया है, वो उस सीट को और बैठ गए हैं, मौलाना फजल रहमान की हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है, तो वहां पर उनको जो यही महमूद खान अचक जई के ग्रुप से एक और निकला हुआ ग्रुप जो उस्मान खान काकड़ के बेटे हैं खुशहाल खान खट्टक, खुशहाल खान काकड़, वो वहां पर जो है इनकी मुखालफत कर रहे हैं। इस सीट के ऊपर इनके मौलाना की जो वो है पोजीशन है वो बड़ी डाउन है, यहाँ पर फैसल करीम कुंडी और अली अमीर गंडा के दरमियान, गंडापुर के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला होगा। इसके बाद ये आखिरी हल्का है आज के विलाग का और फिर KPK का भी आखिरी हल्का है, ये है ये NA 45। यहाँ पर पाकिस्तान पार्टी की तरफ से फतेहउल्लाह खान, ये परवा वाली सीट है, यहाँ पर बड़े अहम रहनुमा है, लोग बड़ा जानते हैं फतेहउल्लाह खान को। यहाँ पर उबैदुर रहमान जो ये FK है, मोहम्मद याकूब शेख मोहम्मद याकूब जो है
ये पिछली दफा याकूब शेख साहब ये पिछली दफा पीटी के टिकट के ऊपर जहां से एमएनए मुंतखब हो चुके हैं, फिर वो शामिल हो गए थे प्रवेश खट्टा ग्रुप के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने टिकट यहाँ पर नहीं लिया, वो खुद यहाँ पर आजाद हो गए। तो अब वो आजाद हैसियत में यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला यहाँ पर शुएब नसीर के साथ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर पीपल पार्टी के फतेहुल्ला खान, जेयूएफ के उबैदुर्रहमान, शेख याकूब और शुएब नसीर के दरमियान एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला है यहाँ पर। यहाँ पर तो पोजीशन जो है, मेरे अपना यहाँ एनालिसिस ये है कि यहाँ पर याकूब शेख और शुएब नसीर और फतेहुल्ला बहुत ही क्लोज जा रहे हैं यहाँ पर। वो बहरहाल आखिर में वहाँ यहाँ पर किसके पोजीशन बेहतर रहती है, लेकिन ये नहीं पता अभी तक के मुताबिक यहाँ पर एक मुकाबला जो है बड़ा अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि केपीके को आज फिनिश करें, क्योंकि आगे हमने पूरे पंजाब को कवर करना है, सिंध बलूचिस्तान को करना है। इंशाल्लाह आज ही और भी मेरी दो तीन वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी पंजाब के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से। हमारे चैनल को देखते रहिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच।